स्टूडेंट्स, इस मीटिंग में हम आपके लिए अगला जो चैप्टर रहेगा 11वां उसको डिस्कस करेंगे और इसमें आप जो कि 11वां चैप्टर है परिरेखा समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। परिरेखा समाकलन चैप्टर नंबर 11 है, अभी इसी यूनिट में है परिरेखा समाकलन। ओके, कैसा समाकलन है ये? परिरेखा समाकलन। तो ये है लिमिट 0 से 2 पाई एफ ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा प्रकार के समाकलन का मूल्यांकन, प्रकार के समाकलन का मूल्यांकन, समाकलन का मूल्यांकन मतलब लिमिट 0 से 2 पाई दे रखी हो और साइन कॉस हो फलन में, तो उसका किस तरह से समाकलन किया जाएगा। तो इस प्रकार के समाकलन के मूल्यांकन के लिए हम इकाई त्रिज्या का एक वृत्त डिसाइड करते हैं। इस प्रकार के समाकलन के लिए हम इकाई त्रिज्या का वृत्त मोड जेड इक्वल टू 1 लेते हैं, अतः है, अगर वृत्त मोड जेड इक्वल टू 1 हो तो आप जानते हैं, इसको हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जेड बराबर ई की पावर आयोटा थीटा होगा और इसका आप अगर अवकलन करें तो डी जेड बराबर आएगा आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। अगर आप यहां से डी जेड की वैल्यू निकालें तो आयोटा जेड डी थीटा, क्योंकि देखो ई की पावर जेड को हमने दोबारा से जेड लिख दिया है, यहां से अगर डी थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये आयोटा जेड का भाग लगेगा डी जेड में। ओके, तब तथा एक और बात देखिए, वैसे तो आप जानते हैं इसको कि ई की पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम? अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, अच्छा एक और बात, ई की पावर आयोटा जेड किसके बराबर है? जेड के बराबर, और ई की पावर माइनस आयोटा जेड करें तो जेड इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? तो यानी ये ई की पावर आयोटा जेड बराबर आयोटा थीटा बराबर है जेड के और ये है जेड इनवर्स के। अगर हम आपसे ये कह दें कि इनको जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? जेड प्लस जेड इनवर्स बनेगा ना। तो जेड प्लस जेड इनवर्स, जेड प्लस जेड इनवर्स बराबर क्या आएगा? आयोटा साइन कैंसिल हो जाएगा, टू कॉस थीटा बचेगा, टू कॉस थीटा, और अगर इनको घटाया जाए तो कॉस कट जाएगा, टू आयोटा साइन थीटा, टू आयोटा साइन थीटा। तो कॉस और साइन की वैल्यू क्या आई? कॉस थीटा बराबर आया जेड प्लस जेड इनवर्स बटे 2 और साइन थीटा बराबर क्या बना? जेड माइनस जेड इनवर्स बटे 2, ये मान बने, ठीक है ना? कॉस और साइन की ये वैल्यू बनी। अब आपको करना क्या है, इसमें जो साइन कॉस की वैल्यू है इनके आधार पर, साइन कॉस की जो भी वैल्यू है ना इनके आधार पर, इन मानों को आप ऊपर जो समाकल दे रखा है उसमें रखेंगे। अब इन मानों को आप यहां रखें तब तब i इक्वल टू लिमिट 0 से 2 पाई है ना, ये 0 से 2 पाई नहीं रहेगा, ये कंटूर में बदल जाएगा और स्मॉल f ये है साइन कॉस, तो साइन की या कॉस की जो भी वैल्यू है ये है, देखो कॉस की वैल्यू आगे पीछे हो जाए साइन कॉस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बनेगा z प्लस z इनवर्स बाई 2 कॉमा साइन की वैल्यू है यहाँ 2 आयोटा और है ना z माइनस z इनवर्स अपॉन 2 आयोटा, साथ में d थीटा की वैल्यू, ये जो d थीटा है इसकी वैल्यू है dz अपॉन आयोटा z।
आप देख पा रहे हैं ये जेड में चेंज हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो कंटूर सी स्मॉल एफ है ना, इसको एक नया कैपिटल एफ ऑफ जेड डी जेड के नाम से डिनोट कर सकते हो, जहां इस कैपिटल एफ है ना वो ये फंक्शन था स्मॉल एफ वाला। लेकिन आपको पता है कि कौशी अवशेष प्रमेय कहती है हमसे कि यह जो समाकल है वो है बराबर होता है 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस k। यानी फाइनली आपने जो लिखा है ना लास्ट जो लाइन है उसको एक बार रिपीट कर देते हैं हम, आई इक्वल टू कंटूर सी कैपिटल एफ ऑफ जेड डी जेड। तो कौशी अवशेष प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस। ओके, कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस के अकॉर्डिंग होती है ना, जो जस्ट अभी अभी आपको थ्योरम जो कराई है हमने, ठीक है ना, अभी जो थ्योरम कराई है उसके अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें जो भी आपको समझाया है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला ही रहेगा 11.1.1, सभी स्क्रीनशॉट लो इसका। इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े रहेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं यहाँ से। फिलहाल जो कराने जा रहे हैं क्वेश्चन वो 2000 में आया है, 4 में आया है, 6 में, 12 में और 14 में राजस्थान में पूछ लिया गया है, इस बार भरतपुर में पूछा जा सकता है। चैप्टर 11 और 12 दो बचे हैं अभी, ठीक है ना। नहीं, इस यूनिट में केवल ये 11 ही है, लेकिन देखो वैसे तो क्या है, आप छोड़ भी सकते हो और नहीं भी छोड़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे हम पूरा वैसे, क्योंकि जो आपने यूनिट नंबर सेकंड पढ़ी थी ना, उस सेकंड यूनिट में लास्ट का जो 12वां चैप्टर है वो है शामिल कर दिया गया है सेकंड यूनिट के साथ, जो कि चैप्टर 5-6 पढ़े थे ना आपने, 5, 6 और 12, इनसे बनेगी यूनिट कंप्लीट, ठीक है ना, सीरीज का है उसमें। अच्छा अब देखिए जिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, भाई मेरी तरफ से आप ये ना कहोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, इसलिए हम पूरा पढ़ा के चल रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, और हाँ छोड़ेंगे भी तो आपको बोल दिया करेंगे कि हाँ इसमें से हमने ये टॉपिक छोड़ रखा है, जबकि आप जानते हो कि 5 यूनिट हैं उनमें से थोड़ा सा पार्ट अगर रह भी जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। अब देखिए इसमें ग्यारह पॉइंट एक पॉइंट एक और ये समाकलन है 0 से लेकर के 2 पाई, जिसको हम आई बराबर मान लें, और ऊपर है ये डी थीटा और 1 प्लस का a स्क्वायर या 1 प्लस का a स्क्वायर और माइनस का 2a cos थीटा साथ में डी थीटा ऊपर लिख दिया ना, तो इसको प्रूफ करना है हमें इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। और यहाँ a पे कंडीशन है कि a का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है ना, a का मान क्या है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। आप ये बताइए cos थीटा बराबर अभी अभी जो फॉर्मूला लिखाया वो था z plus z inverse by 2, और d थीटा बराबर क्या था dz upon iota z, इन मानों को ऊपर रखो तब i बराबर बनेगा कंटूर c, d थीटा की जगह लिखोगे dz upon iota z और 1 plus a square minus 2 cos theta, 2 cos theta, a तो है ही, यहाँ 2 cos theta की वैल्यू क्या है, 2 इधर ले आओ, इस 2 को आप यहाँ लाओगे तो 2 cos theta इक्वल टू z plus z inverse बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखिए इसमें i बराबर कंटूर c ऊपर dz अपॉन में इस जेड का अंदर गुणा कर रहे हैं, आयोटा को बाहर रख रहे हैं, जेड का गुणा 1 प्लस ए स्क्वायर से करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड और माइनस ए, जेड का गुणा यहां करोगे अंदर तो जेड स्क्वायर बनेगा प्लस जेड का गुणा जेड इनवर्स से करोगे तो एक आएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट अब देखो आपके पास कंटूर सी dz upon iota, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ जो जेड स्क्वायर होता है ना इसको फ्री करना होगा। अब जेड स्क्वायर फ्री करने के लिए आप क्या है, माइनस ए को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, माइनस ए को, माइनस ए अगर कॉमन लिया तो ये जेड स्क्वायर प्लस वन, ये तो प्लस के रहेंगे,
लेकिन माइनस ए का भाग यहाँ दोगे तो ये माइनस आ गया, और ए का भाग अलग अलग दे दें इन दोनों में तो ये बनेगा वन अपॉन ए प्लस ए और जेड, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है ना? देखो जेड का यहाँ गुणा किया वन प्लस ए स्क्वायर से ये आ गया, जेड का यहाँ गुणा करेंगे माइनस ए तो पहले ही है, जेड का अंदर गुणा कर दिया दोनों से तो यहाँ जेड स्क्वायर हो गया, ये जेड इनवर्स कट गया जेड से तो एक बचा। अब हमने क्या किया, जेड स्क्वायर प्लस वन को, जेड स्क्वायर प्लस वन को रखना चाह फ्री, फ्री करना चाह, पूर्ण वर्ग बनाते हैं आप टेंथ क्लास में पढ़ते हैं तो ये जेड स्क्वायर फ्री होना चाहिए, तो इस कंडीशन में माइनस ए को आप बाहर निकालोगे ना, माइनस ए बाहर निकालेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस वन तो एक ए से फ्री हो जाएगा, और यहाँ माइनस ए का भाग देना पड़ेगा तो माइनस ए आ गया, ए का अलग अलग भाग दे दिया वन अपॉन ए और प्लस का ए, ये बन गया। ओके, अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंटूर सी डी जेड अपॉन आयू माइनस आयूटा ए, जेड में कितने घात का है, ये दो घात का, अच्छा दो घात का है तो इसके दो मूल तो बनेंगे ही बनेंगे, एक को मान लो अल्फा दूसरे को मान लो बीटा, कोई दिक्कत? और इसको भी लिख सकते हो आप कंटूर सी, इस पूरे को कुछ नया मान लो जी जेड और डी जेड, जहां जी जेड फलन माना है ना हमने, जी जेड जो वैल्यू है वो है बराबर में एक बटे माइनस आयूटा ए, और जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब अनंतक के बारे में डिस्कस करेंगे, अनंतक के लिए, अनंतक के लिए क्या करोगे, ये अनंत कब बनेगा, देख पा रहे हैं आप जेड बराबर अल्फा और बीटा पर, अतः अनंतक जेड इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, अच्छा अनंतक अल्फा बीटा आ गए ना, तो एक बात बताइए आप यहाँ समझेंगे ये वैल्यू कौन सी है ये, और ये देखो किसकी जगह लिखा था आपने, इसकी जगह लिखा था, तो ये जेड में दो घात का है ना, हल करेंगे तभी तो निकलेंगे मूल, तो हल करो पहले। अब जेड स्क्वायर माइनस, जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए प्लस ए इंटू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी हमने इस वैल्यू को लिया है जहां जेड है, अरे जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा इस ब्रैकेट को लिखा था तो इसको लिया जीरो के बराबर, हल करके हम यहां से और वैल्यू निकालेंगे जेड की, किसकी वैल्यू निकालेंगे जेड की, तो आप समझेंगे यहां जब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो दराचार्य सूत्र लगाएंगे और ये बनेगा माइनस बी, तो बी की जगह ये टर्म लिखेंगे माइनस माइनस प्लस वन बाई ए प्लस ए, फिर आता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब वन अपॉन ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे अपॉन में टू ए आएगा, तो टू ए ऐसे लिख दें टू। अब आप देखेंगे ये बना वन बाई टू वन अपॉन ए प्लस माइनस, अच्छा देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ना, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये इतना बन जाएगा, वो कैसे सुन लो, प्लस टू आएगा टू ए भी, और माइनस का चार है तो माइनस का दो बचेगा, फिर से उल्टा फॉर्मूला बना देंगे वन अपॉन ए माइनस ए का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा ना। अब इसमें भी देखो क्या बना, वन अपॉन ए कॉमा ए बना, कैसे कितना बना ये वन अपॉन ए कॉमा ए, कैसे बना समझेंगे आप, एक बार जोड़ोगे प्लस का चिन्ह लेंगे ना, एक बार तो प्लस लिया तो देखो माइनस ए और ए कट गया तो वन अपॉन ए टू अपॉन ए, टू से टू कैंसिल होगा तो वन अपॉन ए बचेगा, ऐसे एक बार माइनस लेंगे तो प्लस हटाओ माइनस लेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ए वाला पॉजिटिव और वन अपॉन ए नेगेटिव कट दे तो ये बचा माइनस माइनस प्लस ए और ए टू ए, टू से डिवाइड किया ए, क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो इसमें आप ये जेड की वैल्यू रही, किसकी वैल्यू है ये जेड की, अब अगर ये जेड की वैल्यू है तो देखिए इकाई त्रिज्या अपना जो भी सिस्टम चल रहा है किस पे, इकाई त्रिज्या के वृत्त पे, तो ये बताओ अनंत अवशेष कब निकालते हैं, अवशेष निकालते हैं अनंतकों पर, और अनंतक कौन से बिंदु होते हैं जिन पर फलन अनंत हो, क्षेत्र में जिन पर फलन अनंत हो, तो हमारे पास तो इकाई त्रिज्या का वृत्त है, अब ये बताओ जेड का मान इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर कौन सा होगा, ए छोटा होगा एक से या वन अपॉन ए, देखिए ए एक से छोटा है दे रखा है ना, स्पष्ट दे रखा है ना ए का मान एक से छोटा है, तो हम यहां लिख सकते हैं अतः इकाई त्रिज्या के वृत्त के इकाई त्रिज्या के वृत्त में मूल जेड इक्वल टू अल्फा बराबर ए मान लो, अरे मूल है ना, किसी को अल्फा मानो किसी को बीटा मान लो,
यहां आप इसमें से अल्फा बराबर वन अपॉन ए मान लो, बीटा बराबर कितना मान लो, बीटा बराबर कितना मान लो, ए मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपनी मर्जी है, कोई किसी को कुछ मानो, लेकिन इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर कौन सा है, ए, ए यानी बीटा वाला। अब जेड बराबर बीटा पर अवशेष निकालना, अब जेड इक्वल टू बीटा पर अवशेष, कैसे निकालते हैं अवशेष, जेड बराबर बीटा पर जिसको आर कहें, तो ये बनता है लिमिट जेड टेंस टू बीटा जेड माइनस बीटा इन टू एफ ऑफ जेड, ये बना लिमिट जेड टेंस टू बीटा जेड माइनस बीटा एफ ऑफ जेड की वैल्यू है अपने पास, सॉरी एफ नहीं जी है, जी जेड, जी की वैल्यू अपने पास वन अपॉन माइनस आयोटा ए, वन अपॉन माइनस आयोटा ए जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा कैंसिल हो गया। अब देखो बीटा लिमिट लगानी है ना, यहाँ बीटा माइनस अल्फा बचेगा माइनस का आयोटा ए, और ये बना बीटा माइनस अल्फा। अब देखेंगे बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू के बारे में, तो वन अपॉन माइनस का आयोटा, देखो माइनस का आयोटा ए, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान आपने देखा ए है और अल्फा का मान वन अपॉन ए है, तो ए माइनस वन अपॉन ए, यही तो बना, ये बना बराबर में, या आर वन इक्वल टू आर वन लिख दो या आर लिख दो जो भी है, आर इक्वल टू, अगर आप एलसीएम लोगे समझना यहाँ ये स्टेप, समझेंगे आप सभी इस स्टेप को, ये जो ए है एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस वन आएगा और अपॉन में जो ए है उससे ये ए कैंसिल हो गया, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस वन है ना, ये ए स्क्वायर माइनस वन है तो माइनस और कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा आयोटा, और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस वन ना होकर के वन माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या बना वन अपॉन आयोटा वन माइनस ए स्क्वायर, कौशी अवशेष प्रमेय से, कौशी अवशेष प्रमेय से, और वो प्रमेय कहती है कि अगर कंटूर सी जी जेड डी जेड हो तो ये बनता है टू पाई आयोटा सिग्मा आर प्लस, तो ये बनेगा देखो कंटूर सी की जगह आप कंटूर सी जो भी फलन है ना वो तो ये है, इसको लिख सकते हो आप वहां, तो ये बनेगा बराबर में टू पाई आयोटा इंटू सिग्मा आर प्लस का मान है, ये सिग्मा आर प्लस का ही मान रहेगा, ये है सिग्मा आर प्लस का मतलब है जितने भी बिंदुओं पर अवशेष निकला हो, क्योंकि अपने पास तो एक ही बिंदु पर अवशेष निकला है, ठीक है ना, तो आप लिखोगे यहाँ वन अपॉन आयोटा और वन माइनस ए का स्क्वायर, आयोटा कैंसिल करेंगे तो ऊपर टू पाई आएगा और अपॉन में वन माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है ना, टू पाई अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर। तो आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, सभी पहले स्क्रीन शॉट लें इसका और क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट अगली मीटिंग में रखेंगे।